सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद ये साफ हो गया है कि केजरीवाल ने झूठ बोला है और ये एक आपराधिक मामला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिस रिपोर्ट के हवाले से विपक्षी पार्टियां शुक्रवार सुबह से केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रही है, उसको लेकर मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि भाजपा ऐसी कोई रिपोर्ट लाकर दिखाए जिसे ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया हो, ये रिपोर्ट झूठी है। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी से गुजारिश करते हैं कि अपने नेताओं को समझाए, ये पार्टी बेहद झगड़ालू हो गई है, इन्हें किसी काम पर लगाइए वरना ये ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।